गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्ञान गंगा शिक्षा निकेतन चैनल नाउ वी आर स्टार्टिंग विद फोर्थ पार्ट ऑफ ग्रामर सो टुडे वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट नाउन सो लेट्स गो टू लर्न व्हाट इज द नाउन ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए नाउन इट मीन्स किसी भी व्यक्ति जगह या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं एग्जाम्पल राम मोहन टफी दिल्ली, देहरादून मोबाइल पेन एक्सेट्रा मीन्स राम एंड मोहन क्या है ये व्यक्ति हैं टफी प्राणी है दिल्ली एंड देहरादून जगह है, है। मोबाइल एंड पेन वस्तु है सो किसी भी प्राणी व्यक्ति जगह या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं नेक्स्ट इज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन नाउन कितने टाइप्स के होते हैं देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन नाउन फाइव टाइप्स के होते हैं फर्स्ट प्रोपर नाउन सेकेंड कॉमन नाउन थर्ड कलेक्टिव नाउन फोर्थ मटेरियल नाउन एंड नाउन कितने फाइव टाइप्स के होते हैं सो फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट प्रोपर नाउन प्रोपर नाउन ए नाउन ऑफ ए पर्सन क्रिएचर प्लेस थिंग इज कॉल्ड ए प्रोपर नाउन इट मीन्स किसी व्यक्ति प्राणी स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं सो हियर इज एग्जांपल्स राम राम क्या है एक पर्सन से नेम ऑफ पर्सन एक पर्सन का नाम है टफी टफी नेम ऑफ ए क्रिएचर इट मीन्स ये प्राणी का नाम है देहरादून देहरादून इज नेम ऑफ ए प्लेस देहरादून एक स्थान का नाम है पार्कर पेन

ए क्लास ऑफ ए परसन क्रिएटिव प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन इट मीन्स किसी प्राणी स्थान या वस्तु की जाति का बोध कराने वाले सबको कॉमन नाउन कहते हैं सो एग्जाम्पल्स मोबाइल बॉय गर्ल मैन वुमन फैन, ब्रदर, सिटी एक्सेट्रा सो इसमें से हम गर्ल ले लेते ले हैं गर्ल सपोज फोर है फोरों का नेम्स डिफरेंस है डिफरेंट है बट वो हैं क्या गर्ल्स हैं बेशक हम उन्हें किसी भी नेम से बुलाएं बट उसमें कॉमन क्या है वो सारी गर्ल्स ऐसी ऐसे ही लेते हैं बॉयज भी बहुत सारे हैं और उसमें उनके नेम भी डिफरेंट डिफरेंट है बट उन्हें कहा क्या जाएगा बॉयज कहा जाएगा मीन्स किसी भी कॉमन थिंग्स को हम नाउन कॉमन नाउन कहते हैं नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन ए ग्रुप ऑफ क्रिएचर प्लेसेस और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन इट मीन्स प्राणियों स्थान या वस्तुओं के समूह का बोध कराने वाले शब्द को कलेक्टिव नाउन कहते हैं सो पीपल पीपल के ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब पीपल किन्हें कहा जाता है किसे कहा जाता है जिसमें बहुत सारे व्यक्तियों का ग्रुप हो तो इसमें क्या बोध करा रहा है किसका बोध करा रहा है बहुत सारे समूहों का मतलब बहुत सारे व्यक्ति हैं उसमें समूह है मतलब ग्रुप बना हुआ है उनका बोध करा रहा तो ये क्या हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया सो so, ऐसे ही crowd. Crowd क्या है व्यक्तियों की, की बात की जा रही है तो इसमें क्राउड मतलब भीड़ भीड़ होता है भीड़ मतलब भीड़ में क्या बहुत सारे लोग होते हैं तो वो क्या हो गया कलेक्टिव नाउन क्योंकि उसमें ग्रुप्स है बैच बैच क्या होता है स्टूडेंट्स का बैच होता है तो उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं तो so, वो भी एक कलेक्टिव नाउन है टीम टीम किसी भी प्लेयर्स का टीम हो फुटबॉल का हो क्रिकेट का हो तो वो क्या हो गया वो भी एक कलेक्टिव नाउन है आर्मी आर्मी भी एक सोल्जर्स के ग्रुप होते हैं उन्हें भी हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं देन क्लास है क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें भी हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं इट मीन्स किसी भी प्राणियों स्थानों या वस्तुओं के समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन ए मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड ए मटेरियल नाउन इट मीन्स किसी भी पदार्थ का नेम एक पदार्थवाचक संज्ञा है नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं सो so, किसी भी पदार्थ का नाम एक पदार्थवाचक नाउन है मतलब कोई भी पदार्थ मतलब उसको मटेरियल कहते हैं मटेरियल को हिंदी में पदार्थ बोलते हैं तो पदार्थ हमारे क्या गोल्ड होते हैं सिल्वर होते हैं कॉपर होते हैं ग्लास होते हैं वुड स्टोन इन सबको क्या कहते हैं मटेरियल नाउन कहते हैं नेक्स्ट इज एब्रिक्ट नाउन ए नाउन दैट रिफर्स टू ए थिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज ए मटेरियल ऑब्जेक्ट एन एब्सट्रैक्ट नाउन वी कैन सी टच हीयर स्मेल और टेस्ट दीज नाउन्स इट मीन्स किसी भी चीज़ को दिया गया एक नेम जिसे हम जिसे हम देख या छू नहीं सकते उसे हम एबस्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं एग्जाम्पल ओनेस्टी लव हेट, टाइम, फीलिंग्स मैथमेटिक्स एक्सपेक्शन एक्सपेक्टेशन मीन्स हम हम बहादुर हैं तो हम उसे देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं और लव प्यार है मतलब किसी का भी प्यार है तो हम उसे देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं डेफ्ट डेफ्ट मतलब चोरी चोरी हम देख सकते हैं चोरी भी नहीं देख सकते हैं सो so, इसी तरह कुछ भी हो जिसे हम देख या टच नहीं कर सकते या फिर सुन नहीं सकते या फिर उसे सुन नहीं सकते तो उसे हम क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम छू या देख या सुन नहीं सकते उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं सो इट्स इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू